नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एंड आई विश आप सब लोग भाई बढ़िया होंगे मेरी तरह। तो भाई लोग, मेरे सामने खड़ी है TVS की iQube और मेरी निगाह में पहली एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटी है जो एक स्कूटी की तरह दिखती है। हाँ, लोगों का एक परसेप्शन है इस स्कूटी को लेके, हाउएवर ये इलेक्ट्रिक है, लेकिन लोग भाई लोगों को लगता है कि हाँ हम कम से कम एक स्कूटी तो चला रहे हैं, नहीं तो अदर जो आप ब्रांड का देखोगे ना उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल बिल्कुल थोड़े से बकरी जैसे दिखाई देते हैं। तो ये एक स्कूटी का सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में। लेकिन स्पेसिफिकेशन को स्टार्ट करने से ही पहले सबसे पहले आप इसका ना एक बार वॉक अराउंड कर लो कि भाई किस तरीके से दिखती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इसमें DRL मिलेगी, जिसको हम डे टाइम रनिंग लाइट बोलते हैं। यहाँ आपको इसमें हाई बीम एंड लो बीम इसी के अंदर ही मिलेगा। ये पूरा का पूरा LED के साथ आता है, ये प्रोजेक्टर नहीं है, ये आपको LED रिफ्लेक्टर के साथ आ रहा है। ठीक है, एक अच्छा खासा इसमें आपको फ्रंट फेंडर मिल जाएगा जो कि दिखने में बहुत बढ़िया, वाइट कलर के पेंट स्कीम के साथ ही आपको आता है। iQube की इलेक्ट्रिक की आपको ब्रांडिंग यहाँ मिल जाएगी। और सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है, ये आप देख रहे हैं भाई, ये ग्लो कर रहा है, ये ग्लो नहीं कर रहा, ये इसके अंदर प्रॉपर एक तरीके की लाइट है जो कि इलेक्ट्रिक में शो हो रही है। हाँ, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, और रात में तो ये मतलब बहुत ही बढ़िया लगता है। पहले मेरे को लगा कि ये ग्लो करता है, लेकिन नहीं, ये ग्लो नहीं करता, ये इसके अंदर एक तरीके की लाइट ही है जो इलेक्ट्रिक में दिखा गया है, जो कि बहुत ही मतलब बढ़िया लग रहा है। ठीक है, और ये भाई इसका बैक साइड, जो कि बैक साइड देख रहे हैं, एकदम सिंपल सी आपको इसके अंदर एक LED लाइट मिलेगी। ऐसा नहीं है कुछ ज़्यादा तगड़ा सा मिलेगा, लेकिन हाँ बहुत बढ़िया मिलेगी। यहाँ आपको इसके अंदर नंबर प्लेट इल्यूमिनेटर मिलता है, देख सकते हैं ये आपको नंबर प्लेट इल्यूमिनेटर मिलता है, जो कि बढ़िया लग रहा है देखने में। यहाँ मतलब इसकी प्रोटेक्शन के लिए प्लास्टिक लगा रखा है, पूरा का पूरा इसमें आपको कवर कर रखा है, जिसकी वजह से ये जो पानी है कहीं इधर उधर ना जाए और आपके जो जितने भी इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट है वो बचे रहे। इक्विपमेंट क्या, इलेक्ट्रिकल जितनी भी वायरिंग है वो सारी की सारी बची रहे। मैंने कुछ टाइम पहले हीरो की वीडा का बनाया था, हीरो की वीडा नहीं, एक हीरो की स्कूटी का बनाया था, स्क्रीन पर आपके आ रहा होगा, हाँ हीरो की जूम बनाया था, उसमें भाई ये पूरा का पूरा एक्सपोज था। तो अपने अपने फ़र्क की बात है, ये इन्होंने यहाँ पर एक प्रोटेक्शन दिया हुआ है जो कि अगेन बहुत अच्छी बात है। यहाँ आपको इसमें अलॉय का जो शेप है, शेप क्या इसमें जो कट है, इस तरीके के मिल जाएंगे, जो कि ये भी दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो धीरे धीरे अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो हम आएंगे इसके बाद में, लेकिन सबसे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये कि इसके अंदर आपको ना 2.2 किलोवाट की बैटरी का आपको इसके अंदर ऑप्शन मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर इससे ऊपर वाले वेरियंट है, 3.4 वाले हैं, लेकिन मैंने इसको ही कवर किया है क्योंकि ये आपके थोड़ा सा बजट में आ सकता है, नहीं तो उनकी जो प्राइस है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं तो ये 2.2 किलोवाट में आता है और ये IP67 रेटिंग के साथ आता है। IP67 रेटिंग का क्या मतलब होता है, मैंने स्क्रीन पर शो कर रखा है, आप एक बार देख लेना। चार्जिंग आउटपुट जो है वो इसका जो चार्जर का जो आउटपुट है, 950 वाट का आपको इसके अंदर चार्जर का आउटपुट मिलेगा। मैं आपको चार्जर भी दिखाऊंगा, एक बार मैं स्पेसिफिकेशन आपको एक बार बता दूं। और जो कंपनी ने इसका जो वेट दिया है ना वो 115 किलो का दिया है, जो कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटी को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी सही है। अगर इसको भी अगर भारी बना देंगे ना तो फिर ये क्या ही चलेगी यार। ठीक है, सीट हाइट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपको इसके अंदर सीट हाइट ना 770 की आपको इसके अंदर सीट हाइट मिलेगी, जिनकी हाइट अगर 5-5 के आजू बाजू आराम से स्कूटी को आराम से चला सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें 157 का मिलेगा। और एक सबसे बड़ी बात, ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है तो लोग वह इसके कहीं ना कहीं इसके एक्सेलरेशन के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। तो ये 0 से 40 की स्पीड ना 4.2 सेकंड में आपको पकड़ लेती है, और ये 0 to 80% ये आपको 2 घंटे में आपको पूरी की पूरी स्कूटी चार्ज हो जाएगी। लेकिन वहीं आप इसके अगर जो टॉप मॉडल वाले वेरिएंट को देखोगे ना तो उनमें ये टाइमिंग बढ़ जाती है। मैं किसी दिन इन पर भी एक डिटेल सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा। इसमें आपको लाइव इंडिकेटर स्टेटस भी मिलता है, जो कि जब आप इस बैटरी को चार्ज करोगे, जब आप इस स्कूटी को चार्ज करोगे ना तो आपको इसमें पता पड़ता रहेगा कि हाँ भाई इसमें कितनी बैटरी चार्ज हो रही है कितनी नहीं। और एक बात और, इसमें आपको क्रैश एंड फॉल अलर्ट मिलता है, इन केस अगर महसूस होता है कि आपकी जो स्कूटी है वो गिरने वाली है तो उसमें भी एक अलर्ट शो कर देता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि वो अलर्ट कहाँ पर शो होता है कहाँ नहीं। फ्लिप की विद लाइट्स मिलती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर फ्लिप की का ऑप्शन आता है और उसके अंदर आपको एक लाइट का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि ये अगेन बहुत बढ़िया बात है। टॉर्क ये स्कूटी ठीक ठाक प्रोड्यूस कर लेती है, 140 Nm का इसके अंदर आपको टॉर्क भी मिल जाता है, जो कि अगेन बहुत बढ़िया बात है। रेंज इसके अंदर आपको 75 किलोमीटर की मिलेगी इस पर्टिकुलर वेरिएंट में, लेकिन अगर आप इन वाले वेरिएंट को अगर आप देखोगे ना तो इसके अंदर आपको 100 किलोमीटर की आपको इसके अंदर रेंज मिल जाएगी।
और इसकी जो रेटेड पावर है वो 3000 वॉट की रेटेड पावर है। तो ये तो हो गई इसके अंदर सारी की सारी स्पेसिफिकेशन की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आपको कंसोल में आपको इसके अंदर क्या मिलता है। तो भाई ये रहा इसका पूरा का पूरा डैश, और डैश इसका इतना सा ही है, इसमें ऐसा सच आपको कोई बटन नहीं मिलेगा। उसमें आपको एक टॉगल स्विच मिल जाएगा जो जॉयस्टिक की तरह काम करेगा, लेकिन इसमें आपको ऐसा सच कोई नहीं मिलेगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ये इसका पूरा का पूरा एक ओवरव्यू है। तो आपको इसको स्टार्ट करना है, सबसे पहले साइड स्टैंड ऊपर करो, यहाँ पर साइड स्टैंड की एक लाइट आ रही है वो चली जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि भाई ये है इसका हाई बीम एंड लो बीम का। जी हाई बीम है, और हाई बीम की लाइट आपको यहाँ मिल गई, और देख सकते हैं यहाँ आपको इसकी हाई बीम और लो बीम की आपको इसके अंदर लाइट मिल जाएगी। ठीक है, ये होगी हाई बीम लो बीम की। ये आपको इसके अंदर इंडिकेटर मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको इसके अंदर इंडिकेटर मिल जाएंगे। ये आपको पीपी वाला हॉर्न मिल जाएगा, ये आपको इसके अंदर हज़ार्ड स्विच मिल जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको हज़ार्ड मिल जाएगा। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा ये क्या है, और ये रहे इसके मोड। अब आपको इस स्कूटी को जब भी आप चालू करोगे ना, तो आपको इस तरह की फॉर्म में आएगा। इसको चालू करने के लिए आपको सबसे पहले दबाने ब्रेक, और सबसे पहले ये दबाना है ये, ठीक है। तो आप जैसे ब्रेक दबाया और ये आपकी चालू हो जाएगी। ये चालू उसी तरीके से होती है जिससे कि अमूमन स्कूटी जैसे एक्टिवा स्टार्ट होती है ना ब्रेक दबा के स्टार्ट करने वाला, तो वही इसके अंदर सिस्टम है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आपको बैटरी का इसके अंदर आपको बार मिलेगा, ये 84% की आपको इसके अंदर बैटरी मिलेगी। ये आप देख रहे हैं ब्लूटूथ, और ये तो इसका मतलब ये है कि ये फ़ोन कहीं ना कहीं ये फ़ोन इस स्कूटी से कनेक्टेड है, तो तभी तो उसके नेटवर्क और ये बैटरी कॉल और ये मैसेज के आइकन आपको शो हो रहे हैं। और जब ये फ़ोन आसानी से कनेक्ट हो जाता है, यहाँ पर आपको नेविगेशन का आपको इसके अंदर सिस्टम भी मिल जाएगा डेट और टाइम के साथ सब कुछ, ठीक है। यहाँ आप देख रहे होंगे डी टी का मतलब है डिस्टेंस टू एम्प्टी, और ये आपको ईको और पावर मोड के साथ आती है। ऑटो ये 6.4 किलोमीटर का ऑप्शन मिल जाएगा, ट्रिप ए और ये आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। अब अगर आपको इसमें ये ईको और पावर मोड में आपको इसमें चेंज करना, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये वाला जो बटन है, तो इसको जब आप दबाओगे ना, तो इसको दबाने से आपको पावर और ईको मोड का आपको इसके अंदर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आप देख रहे होंगे जैसे ही मैंने ईको मोड को दबाया, तो इसमें डिस्टेंस टू एम्प्टी 63 हो गई और पावर मोड में 51 हो गई। बहुत साधारण सी बात है, जब आप पावर मोड में चलाओगे तो आपकी जो डीटी है ना वो डेफिनेट है कम होनी ही वाली है। तो ये रहा इसका ये वाला हिसाब, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है पार्किंग, तो इसके पार्किंग तो खैर क्या ही बोलूँ, इसके अंदर ना आपको बैकवर्ड जाने का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि इसके अंदर आपको रिवर्स गियर मिलता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ब्रेक दबा के रखना पड़ेगा, और ब्रेक दबा के रखने के बाद आपको ये दबाना पड़ेगा। मैं एक बार आपको दोबारा से दिखा दूँ, ठीक है, रुको एक सेकेंड। हाँ, तो इसको चालू करने के लिए सबसे पहले आप दबाएंगे ब्रेक, और इसको आपको 2 सेकेंड तक दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इसके अंदर पी का ऑप्शन आ गया। पी का ऑप्शन मतलब है मैं इसको थ्रॉटल दूंगा ना तो ये पीछे की तरफ जाएगी, लेकिन अभी पीछे की तरफ जा नहीं रही है, एक बार मुझे एक बार और दबाना पड़ेगा। तो जब मैंने एक बार और दबाया तो अब ये रिवर्स का ऑप्शन आ गई, और ये देखो बीप करने लग गई। बीप का मतलब है अब ये स्कूटी पीछे जाएगी, देख सकते हैं, अब ये मैं पीछे जा रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको दोबारा दबा दूंगा तो ये आगे की तरफ हो जाएगी, तो देख सकते हैं भाई ये आगे की तरफ होने लग गई। और इसको हटाने के लिए आपको इसको दोबारा दबा दोगे तो ये सारा का सारा बैक मोड में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस डैश को ना पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी तो इसमें ऐसा कुछ और ख़ास है नहीं, जब आप स्टैंड लगा दोगे तो आपको ये वाली वार्निंग आ जाएगी। अब मैं आपको इसके अंदर आपको जो भी है इसका, हाँ, सीट का एक बार आपको मामला दिखा देता हूँ सीट में क्या है। तो ये देख रहे होंगे 950 वॉट का आपको इसके अंदर चार्जर मिल जाएगा। मैं एक बार आपको चार्जर भी दिखा देता हूँ, चार्जर आपको किस तरीके से मिलेगा। देखो इस तरीके से आपको इसके अंदर भाई चार्जर मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा चार्जिंग केबल है। यहाँ आपको इसमें USB का पोर्ट मिल जाएगा, यहाँ आपको इसके अंदर OBD लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा, जो भी अगर स्कूटी में कोई भी इशू होगा तो आपको OBD लगाने का आपको इसके अंदर ऑप्शन मिल जाएगा। बूट का ये शायद 22, भैया 22 का है ना, 30 का, तो आपको इसके अंदर 30 का आपको इसके अंदर भाई बूट स्पेस मिल जाएगा। दिखा देता हूँ आपको बूट स्पेस कितना है, तो देख सकते हैं भाई बूट स्पेस इतना है, और काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस है। मेरे हिसाब से 2 हेलमेट इसके अंदर आराम से आ जाएंगे, नहीं तो सब्जी तो इसके अंदर बहुत सारी आ ही जाएंगी भाई, ठीक है। तो बूट स्पेस इसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा है। बाकी तो लाइट का और मैंने सारी की सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी। और अगर आप सोच रहे होंगे कि भाई ये चार्ज कहाँ से होती है, तो ये भाई चार्ज होती है यहाँ से, देख सकते हैं भाई साहब ये आपको चार्ज यहाँ से हो जाएगी। यहाँ आपको इसमें सामान टांगने का इसके अंदर ऑप्शन मिलेगा,
सेम ऐसे ही आपको इसके अंदर सामान टांगने का ऑप्शन यहाँ भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं इस स्कूटी के पैकेज की बात करूँ तो कंपनी ने इसको बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया है। सबसे बड़ी बात आपको इसके अंदर जो ब्लू कलर का जो इन्होंने स्टिकरिंग का कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस्तेमाल किया वो बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छी यूएसपी मेरे को इसकी इलेक्ट्रिक ये जो ब्लू कलर में जो लिख रही है सबसे बढ़िया लगी। इससे तो अच्छा मेरे को तो भाई किसी में और लगा ही नहीं। वैसे तो मैंने इसके सारे के सारे डाउट इसके अंदर क्लियर कर दिए हैं, लेकिन स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे को इससे रिलेटेड कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। और हाँ एक बात और, यहाँ आपको इसके अंदर ना 230 mm की आपको इसके अंदर डिस्क मिलेगी और ये आपको सिंगल पिस्टन वाला आपको इसके अंदर कैलीपर मिल जाएगा। हाँ ठीक है यार, सिंगल पिस्टन इसके अंदर आराम से काम कर जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और जो पीछे वाली है वो इसके अंदर आपको 130 की आपको मिल जाएगी, तो अच्छी बात है। चलो कंपनी ने इसके अंदर डिस्क का इसके अंदर ऑप्शन दिया, बाकी तो इसके अंदर मुझे एज सच कुछ बताने का लगा नहीं। और बाकी तो भाई ये इतने सारे वेरिएंट है इसको भी धीरे धीरे कवर कर ही लेंगे। तो अगर आपका इस स्कूटी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो भाई आप मेरे से बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। मैंने इसके अंदर आपको डैशबोर्ड को पूरा का पूरा कवर करके आपको बता ही दिया है। और एक बात बता दूं, ये 1,13,000 का आता है और इसके बाद जितने भी और जो वेरिएंट है ना वो लगभग 1,65 के आजू बाजू जाते हैं। तो अपना बजट देख के ही अपना आप काम करें। उसमें रेंज आपको 100 किलोमीटर की मिल जाएगी, इसके अंदर रेंज आपको 75 किलोमीटर की आपको रेंज मिल जाएगी, जो कि ठीक ठाक है अपने प्राइस के अकॉर्डिंग। तो यही था इस वीडियो में, एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं कंड्यूसिव लगी होगी। अगर कंड्यूसिव लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रखें। धन्यवाद।